आजूबाजी लगाए रहते हैं। दूध तुमने बता उसे स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि गिरनार से देवला तक की आपकी सफारी राइड आनंदमय रही होगी। इस यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य में बसी भारतीय संस्कृति, संत और पशु पक्षियों ने आपको जरूर मंत्रमुग्ध किया होगा। आइए रत्न वर्ल्ड में प्रवेश करें। अरे रुकिए 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 जरा, हम भी आ रहे हैं। अरे जल्दी चलो दीपू। अरे से बच्चों, चलो हम रत्न वर्ल्ड में प्रवेश करें और साथ मिलकर आप दोनों के सवालों के जवाब ढूंढते हैं। चलिए। कितनों के सवालों, दुविधाओं, परेशानियों और रुकावटों के समाधान है। सरल, सुखद एवं आध्यात्मिक जीवन जीने के विचार है। पर ये सब लिखी किसने? ये उन्हीं ने लिखी है जिनके सम्मान में आयोजित महोत्सव से तुम लोग इतना सब कुछ देखकर और सीख कर आए हो। पूरी 399 किताबें हैं और ये महोत्सव उन्हीं की लिखी 400 की किताब के लोकार्पण का महोत्सव है। वाओ, कौन है ये? बताइए ना, हम इनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। ये है पद्म भूषण से सम्मानित राज प्रतिबोधक सरस्वती नंदन परम पूज्य आचार्य विजय रत्न सुंदर सूरी जी महाराज। कई साल पहले सन 1948 में गुजरात के देवला गांव में माँ चंपाबेन और पिता बलचंद भाई के घर जन्मा एक पाक रजनी। बाल उम्र में ही उन्होंने अपनी माँ को खो दिया और अल्पायु में ही वे पिताजी और परिवार के साथ देवला से मुंबई आ गए। जीवन जीने का सलीका और सारे संस्कार उन्हें अपने बाबा से ही मिले। उनके बाबा का मानना था कि इंसान को पूर्ण रूप से विकसित होना आवश्यक है, फिर चाहे वो चरित्र का निर्माण हो या आध्यात्मिक वृद्धि या सामाजिक व्यवहार।